साहिल भाई कैसा लग रहा है फाग मिलकर? बहुत ही इस बार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाग है, क्योंकि इस बार महिला मंडल 70 महिला मंडल है तो उनको इस बार प्राइज रखा गया है। ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आज आ रहे हैं महिला मंडल, लगभग कितनी महिला मंडल आ रही है? 70 महिला मंडल आ रही है अलग अलग गांव से, तो देखना गाइस और आपको भी दिखाऊंगा। मिलते हैं। जो आज का फाग था, तीसरा दिन स्पेशल था महिलाओं के लिए, आज 70 महिला मंडल आ रहे थे। उससे पहले आगे खंटू महाराज जी जो कि सीरी मजाली के देवता है, आपको पता है जितने गोल सर के देवते जब भी फाग में आते हैं वो एक रौनक छोड़ जाते हैं, तो खंटू महाराज जी को सत सत नमन। सो कुंसू के देवता जी आ चुके हैं यहाँ पे, हम आपको दिखाएंगे कुंसू के देवता जी को। हमारे फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड है, तो मेरे साथ आज नए ब्लॉगर मिले हैं मिस्टर साहिल। हेलो हेलो। तो साहिल भाई कैसा लग रहा है फाग में मिलकर? बहुत ही इस बार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाग है, क्योंकि इस बार महिला मंडल 70 महिला मंडल है तो उनको इस बार प्राइज रखा गया है। वो तो हर महिला मंडल आ रही है यहाँ पे, तो इस बार कल लास्ट दिन है फाग का, कल सारे देवते नीचे से आएंगे, मेला लगाएंगे और विदाई लेंगे यहाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा फाग आए। और जो मिस्टर रॉकी भाई, इनका भी यूट्यूब चैनल है, रॉकी भाई नाम बताए यूट्यूब चैनल? मेरा चैनल का नाम है देव जाग के नाम से, आप सर्च करो रॉक रॉकी खुल जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को देखिए। आज का फाग का माहौल है बहुत ही गर्मा गर्म हुआ और बहुत ही सारी हसीनाएं आ रही है आज। ओए अभी आज देवता साहब जी को तो उठाएंगे नहीं, आज बैठे रहेंगे क्योंकि आज है महिला मंडल वालों का ही दिन। नहीं नहीं पहले वो देवता साहब भी बैठ गए, आप एक पीछे। अब काम का भी तीसरे ही दिन और इतना ज़्यादा रश देख सकते हैं आप, देख सकते हैं और खुला रखा है ताकि यार नाती लगेगी शायद। तीसरे दिन इतना ज़्यादा रश हो गया था किसी को नहीं था। गेट खाली करें। तारासर का एक ऐसा गांव
जहाँ का कल्चर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे यूनिक कल्चर होता है यहाँ का डांस प्यार बहुत ही अच्छा। मुझे अगर फाग में सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है खरगा और धारासरका वाले लोगों का डांस। सब मस्ती में झूमते हैं, अलग अलग स्टेप दिखाते हैं, वहाँ भी मज़े। डांस देखने के बाद में गया नाइट फंक्शन, वहाँ मिले मुझे मिस बुशेर। भैया क्यों बोले यार? फिर मिस हो गया। तो हो चुका है टाइम, अभी हम बिल्कुल मालिक साहब के सामने, अभी हम सो के उठे और अभी दिखाते हैं माँ बाप का व्यू। अभी मालिक साहब तो सोए हैं स्लीपिंग मोड में, तो मैं इनमें इनका भी सल्यूट करता हूँ क्योंकि पूरी रात इन्होंने वापिस जा रहे थे, वहीं जो हमारे कुंसू के दीप्ता जी है वो वापिस आ गए गेट से। अब पता नहीं क्यों आए वो वापिस, जो भी हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखूंगा, तो बने रहो गाइस मेरे साथ व्लॉग में, ये पार्ट 3 में बताऊंगा और मैं बताऊंगा क्यों कुंसू के दीप्ता जी वापिस आए। देख सकते हैं आप कुंसू के दीप्ता जी का दृश्य भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था जब महारुद्र देवता काजल जी बसारों के साथ मिल रहे थे, तो कीम के नगेला जी आए और अपने भारों के साथ मिले क्योंकि अब इनके भी जाने का समय हो गया था। बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया इन्होंने, अब मिल रहे हैं ये अपने बस नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है।
इसी धुन के साथ फाग फेयर हुई ख़त्म। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट फाग में।